मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने कांग्रेस के प्रदेश सचिव और आराध्यम कंपनी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मंझोला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल एमडीए के रहने वाले चंदन सिंह का आरोप है कि उन्होंने आराध्यम कंपनी से जनपद हापुड़ में एक प्लॉट खरीदा था, जिसके एवज में उन्होंने कांग्रेसी नेता की कंपनी को 1,12,500 रुपये दिए थे। लेकिन जब काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें जगह पर कब्जा नहीं मिला तो उन्होंने इसके विषय में पुलिस से शिकायत की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बल्कि जब इस बाबत उन्होंने कंपनी के मालिक सचिन चौधरी से बात की तो उन्होंने पैसे वापस करने की बजाय धमकी दी, जिसके बाद वे कई बार लखनऊ तक शिकायत कर चुके थे। लेकिन जब उन्होंने जन सुनवाई में अपनी शिकायत दी तो अब कांग्रेसी नेता सचिन चौधरी और आराध्यम कंपनी के खिलाफ मंझोला थाने में कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चंदन सिंह कश्मीरी। चंदन सिंह, क्या मामला है आपका पूरा? ये सर मेरे जो है 2015 में मैंने एक प्लॉट बुक करवाया था आराध्यम सिटी साइन कंपनी जो है लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसका मालिक है सचिन चौधरी, कांग्रेस का नेता है, ये यूपी का सचिव है, ये कांग्रेस का अमरोहा का रहने वाला है। ये प्लॉट की जगह कहाँ है कि आपने बुक कराया था? हापुड़ में मेरठ बाईपास पे। मेरठ बाईपास पे कितने गज का प्लॉट था? ये 100 गज का प्लॉट था, 4 लाख कुछ में बुकिंग करवाया था हमारे लड़के ने। कुल कीमत कितनी रही होगी प्लॉट की? कुल कीमत करीब 5 लाख के आसपास। कितना पैसा आप दे चुके हो? 1,12,500 रुपए। ये नगद दिया था या चेक के माध्यम से आराध्यम को दिया था? चेक के माध्यम से भी दिया था और वैसे भी नगद भी दिया था, ऑनलाइन भी दिया था। अब समस्या क्या आ रही है? अब समस्या सर वो पहले तो पुलिस को गुमराह कर रहा था, 20% लेस करके ले लो, नहीं तो पुलिस ने पैसा दलवाया 20% लेस करके, और नहीं कहीं हमारा लिखा हुआ था 20% लेस करके हम पैसे वापस ले लेंगे, तो पुलिस हमें गुमराह करती रही सीए और सिविल लाइन। फिर हमने एक आईटीआई डाली, सूचना मांगी उसके ऊपर, तो उस आधार पे इन्होंने जो है एफआईआर करी और सीएम हेल्पलाइन 1076 पे 9 बार शिकायतें करने के बावजूद कार्रवाई नहीं करी मुरादाबाद पुलिस प्रशासन ने। अब ये जो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है इनके खिलाफ में सचिन चौधरी के जी, ये किन किन धाराओं के अंतर्गत कराई है? ये 506-406 में करी है, जबकि 420 का भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट का, गैंगस्टारी का मुकदमा कैम होना चाहिए। तो आपने जो प्रार्थना पत्र थाने में दिया था उसमें ये बात खोली थी कि 420 का केस है? जी जी, हमने उसके कागज़ भी नहीं है इसके पास में, इसने जो आराध्यम सिटी साई के नाम से इसने जो कंपनी बनाई थी वहाँ पे इसकी ज़मीन कम थी और इस दिन दिखाई जाते कि यहाँ पे स्कूल होगा, यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, यहाँ पे मार्केट होगा, यहाँ पार्किंग होगा, तो ये कुछ नहीं था, उसकी बहुत कम ज़मीन थी। तो ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें 420 का मसला आपका पहली बार में दिख रहा है कि 420 का मसला है? हाँ, लेकिन 420 तो आपको लगता है कि ये जो मुकदमा, ये जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज करी है, हाँ, ये सही धाराओं में दर्ज करी है? नहीं सर, सही धारा में सिर्फ इसमें जो है 406 506, बाकी 420 इसके खिलाफ नहीं करी है पुलिस ने, पुलिस इसको बचा रही है ताकि इसकी बार बार से बेल हो जाए और ये जेल ना जाए। कौन से थाने में एफआईआर दर्ज हुई है? मझोला थाने में। इस संबंध में आपने थाना अध्यक्ष से बात करी, पूछा कि ये धाराएं इसमें कम क्यों है, 420 की धारा क्यों नहीं है इसमें शामिल? तो कोर्ट में करना बोला, इसे कोर्ट में कार्रवाई होगी, इसकी कोर्ट में करो आप।